सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, ओप्पो के सब ब्रांड रियलमी वन ने एक रियलमी कंपनी ने अपना फोन लॉन्च कर दिया है इंडिया में, जिसका नाम है रियलमी वन के नाम से ये फोन लॉन्च किया है। तो मैंने और ये फोन बहुत ही अच्छा है और शाओमी को एक बजट वेरिएंट फोन में ऐसी टक्कर देने वाला ये फोन है। तो मैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि और अलग क्या इस फोन में है, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज एक वीडियो लाता रहूंगा। तो जो रियलमी वन है, जो फोन है, वो ओप्पो की सब ब्रांड है, वो ऑनलाइन पे ही ये सेलिंग होगा और अमेजोन में ये ब्रांड आपको मिल सकता है। तो इसमें आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना चाहूंगा, तो इसमें आपको डिस्प्ले आपको बताऊंगा कि 6 इंच की आपको फुल एचडी प्लस के 18:9 रिफ्रेश वाली डिस्प्ले आपको दी जा रही है। चिपसेट की बात करें तो इसमें प्रोसेसर बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, नया वाला जो मीडियाटेक का हीलियो का P60 का प्रोसेसर नया वाला दिया गया है, जिसके कंपैरिजन में 636 आता है, जो नया रेडमी नोट 5 प्रो में जैसे फोन में अभी आता है वैसे ही इसमें प्रोसेसर दिया गया है। पर इस प्रोसेसर में बहुत ही अच्छा कमाल का कॉन्फ़िगरेशन इसमें दिया गया है। तो ये P60 का हीलियो P60 का ये प्रोसेसर दिया गया है। ये 2.0 गीगाहर्ट्ज़ के ऑक्टा कोर पे ये काम करता है। GPU की बात करें तो माली का G72 का MP3 का आपको एक GPU मिल जाता है और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा इसमें दिया जाता है, वो भी LED फ्लैश के साथ, और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको दिया जाता है, वो भी LED लाइट के साथ आपको ये दिया जा रहा है। 3.5 mm का आपको जैक मिल जाता है और 3410 mAh की बैटरी मिल जाती है। रैम और रोम वेरिएंट की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, 3 GB और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है, 4 GB 64 GB इंटरनल स्टोरेज और 6 GB प्लस 128 GB का इंटरनल स्टोरेज में दिया गया। प्राइस की बात करें तो प्राइस भी बहुत इंटरेस्टिंग इसमें दी गई है, जो अभी तक की जो प्राइस, जो ऐसे कह सकते हो कि ओप्पो के जब भी कोई फोन आते थे तो बहुत ही प्राइस बहुत हाई होती थी यार, कोई कैमरा अच्छा होता था तो कुछ भी आपको मिलता नहीं था, तो प्राइस इसमें बहुत ही अच्छी रखी गई। और जो प्रोसेसर दिया गया नया वाला प्रोसेसर, इसमें ये प्राइस देना बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि जो शाओमी को अभी तक जो बजट में जो पहले थे उसका जो दाव जमा के रखा था कंपनी ने, शाओमी ने, तो इसको बना तोड़ने वाला ये फोन आ चुका है। तो इसकी प्राइस इसमें बहुत अच्छी रखी गई है, 3 GB 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाली प्राइस 8,990 रुपये यानी कि 9,000 रुपये रखी गई है, 4 GB प्लस 64 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है उसकी प्राइस आपको 10,999 रुपये यानी कि 11,000 रुपये रखी गई है, और 6 GB प्लस 128 GB की रखी गई है, 13,990 रुपये उसकी यानी कि 14,000 में ये फोन मिल जाता है। तो रेडमी नोट 5 प्रो के कंपैरिजन में यार, कोई भी रेडमी नोट 5 हो या रेडमी 5 हो, कोई भी फोन आप ले सकते हो, तो इसमें आपको बहुत प्राइस हाई हो जाती थी, जबकि इसमें आपको 6 GB 128 GB वाला वेरियंट आप ले सकते हो, क्योंकि प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा फोन है। अब हम बात करते हैं कि इसमें अलग क्या दिया है, ये फोन क्यों ऐसा अलग लगता है। तो पहली बात, ये प्रोसेसर इसमें जो P60 का प्रोसेसर, हीलियो P60 प्रो प्रोसेसर दिया गया है, ये 12 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी के बेस पर ये चलता है। इसमें 8 कोर का CPU है और 2 कोर का APU इसमें दिया गया है। दूसरी बात, इसमें एक मेन बात है, वो है ट्रिपल स्लॉट, जो शाओमी के सभी फोन में आपको नहीं मिलता है, वो है हाइब्रिड सिम स्लॉट, इसमें शाओमी का मिलता है, जब भी इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट मिलते हैं। तीसरी बात, इसमें AI सेल्फी और AI स्टिकर का सपोर्ट मिल जाता है, वो भी कोई किसी फोन में आपको नहीं मिलता। चौथी बात जो है, उसका फेस अनलॉक के सपोर्ट दिया गया है, जिसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, सिर्फ फेस अनलॉक के ये चलता है। तीसरी बात, इसमें आपको AI विविड बुके इफेक्ट आपको मिलता है, यानी कि पोर्ट्रेट मोड में आप जब फोटो क्लिक करेंगे तो आपको बुके इफेक्ट आपको मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छी बात कि बजट वेरिएंट में बुके इफेक्ट का फोन आपको पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट इसमें दिया जा रहा है। और अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें ColorOS 5.0 का वर्जन दिया गया है, वो है एंड्रॉयड 8.1 के बेस पर ये चलता है ये फोन। तो ये फोन की बात करें तो इसमें आपको एक दूसरी बात कि ये 12 नैनोटेक के जो लेयर आते हैं उसमें ये इसकी बॉडी, पीछे की बॉडी है वो बनाई गई है, वो डायमंड ब्लैक में आपको दिखाई देगी। वो अभी फिलहाल तो मेरे पास ये फोन है नहीं, पर आप वीडियो में देख सकते हो कि एक ऐसा फोन है और शाइनिंग मारता है, तो ये फोन है, तो आप इसे ले सकते हो, एक्सक्लूसिव अमेजोन पे अवेलेबल है, 25 तारीख से अवेलेबल हो जाएगा 12 बजे से दोपहर से, तो इसकी सेलिंग 25 तारीख को
स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।